नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और 11 स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और चुनावी हलचल आज के स्पेशल में, झारखंड में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो इस सवाल को खड़े कर रही हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सब कुछ क्या वाकई ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन से सीपीआई आज बाहर हो गया, हजारीबाग सीट नहीं मिली और इसी से नाराज सीपीआई ने 4 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। उधर आरजेडी भी चतरा और पलामू सीट पर अड़ा हुआ है। लोहरदगा से चमरा लिंडा अलग ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन में पेच इतना फंसा है कि अब तक 10 प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं हुई है और दूसरी तरफ एनडीए अपने 14 प्रत्याशियों के साथ मैदान में कूद गया है। गठबंधन में महाभारत, इंडिया गठबंधन से अलग हुआ सीपीआई, चतरा पलामू सीट पर अड़ा आरजेडी, 10 सीटों पर अब तक प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी के साथ चुनावी दंगल में एनडीए। दिल्ली के रामलीला में रविवार को बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन हुंकार भर रहा था तो रांची में सीपीआई इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर रहा था। हजारीबाग सीट नहीं मिलने से नाराज सीपीआई इंडिया गठबंधन से अलग हो गया। चतरा और पलामू सीट के लिए आरजेडी अड़ा हुआ है। सीट शेयरिंग के पेच ऐसे उलझे हुए हैं कि 10 सीटों पर अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। सीपीआई के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने रविवार को लोकसभा की 4 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी। हम पहले ऐलान किए थे, अगर इंडिया गठबंधन ने हजारीबाग सीट नहीं छोड़ेगा तो हम 6-7 सीटों पर लड़ेंगे। आज हम 4 सीटों की घोषणा की है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें चतरा से अर्जुन कुमार, पलामू से अभय भुइया और लोहरदगा से महेंद्र उराव हैं। उधर दिल्ली में विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली में सीएम चंपई सोरेन शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर गठबंधन की जीत होगी। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि बीजेपी सिंगल डिजिट में आएगी। हमारा विश्वास है कि 14 के 14 हम लोग जीत रहा है हमारा गठबंधन। अगर आदिवासी के हित का बात होता तो सरना धर्म कोड आज लागू हो जाता। ये आदिवासी के बात उनका मुंह से शोभा नहीं दे रहा। देखिए, झारखंड के परिवेश में हम कहें तो भाजपा तो सिंगल डिजिट पे रहेगी ही, और 4 जून को चूंकि नतीजा आएगा तो उसके बाद 4 जून की रोटी भी शायद उनको नसीब न हो। इंडिया गठबंधन में टूट पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये गठबंधन ही बेमेल है, इन्हें देश की नहीं सिर्फ परिवार की चिंता है। देख रहे हैं कि झारखंड में सीपीआई ने 4 उम्मीदवार घोषणा कर दी, राजद इनके अलायंस पार्टनर हैं, उनकी अलग चाल है, पहले ही से सीट की घोषणा कर बैठे हैं, और बाकी जो 2 बड़े दल हैं जो कांग्रेस और झामुमो, उन्होंने भी स्पष्ट तरीके से अभी कुछ भी जनता को नहीं बताया है, तो बहुत सारे पेंच हैं उनमें, सबके स्वार्थ हैं, तो वो चूंकि सेवा करने के लिए बने ही नहीं हैं, उस गठबंधन की बुनियाद ही सेवा के लिए नहीं है, इसलिए उससे जनता को कोई उम्मीद नहीं है और जनता उनको समय पर उनकी जो औकात है वो बता देगी। एनडीए 14 सीटों पर प्रत्याशी उतार कर चुनावी मैदान में कूद गई है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला उलझा हुआ है। नेताओं ने दावा किया था कि होली के बाद प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब तक घोषणा नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो ये रिपोर्ट हमने इसलिए दिखाई कि क्यों आखिर इंडी अलायंस में ऐसी टूट फूट गाहे बगाहे नजर आ रही हैं जबकि चुनाव सिर पर है। एक तरफ दिल्ली में देखिए बड़ा मंच सजा विपक्षियों का और 16 दल एक साथ आए, उद्देश्य क्या है? एनडीए को रोकना, बीजेपी को रोकना। लेकिन झारखंड में देखिए ये चीजें सार्थक नहीं हो पा रही। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं, बीजेपी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी, बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका। तनुष खत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएमएम से, राजेश सिन्हा जी धनी भी यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए हमारे साथ अजय राय सीपीआई के लीडर हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। और ये बहुत स्पेशल रहने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि देखिए
चुनाव के लिए वक्त नहीं बचा है। सबसे पहले मैं सीपीआई से ही यह सवाल लेना चाहूंगी। अजय जी, सवाल आपसे इसलिए भी बनता है क्योंकि अब वक्त बचा नहीं है। जो चीजें जोड़कर बनाई जा रही थी कि किसी तरह ये रस्सी बनाई जाए और ऐसी गांठ बांधी जाए कि बीजेपी को हम रोक सके, लेकिन वो गांठ खुलती जा रही है, जिसे बोलते हैं ना उघरना, वो उघड़ती जा रही है। क्यों सीपीआई भी आज अलग हो गया? सीपीआई अलग नहीं हुआ, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अलग नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि गठबंधन की जब बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन के हमें सभी बड़े दल के नेताओं यहाँ हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, और बड़े भाई की भूमिका में अगर कांग्रेस थी, हम लोगों ने आग्रह किया था एक बार सीट शेयरिंग के लिए बैठक तो बुलाइए, तो इन्होंने कहा था होली के बाद हम बैठेंगे, और अभी तक ये बैठे नहीं। तो चूंकि हम पूंजीवादी व्यवस्था वाले लोग ने हमारे पास हमारे कैंडिडेट्स लगातार मैदानों में रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा पूंजी का खेल नहीं होता, तो हमें मजबूरन उतारना पड़ा कैंडिडेटों को, कि चूंकि हमारे लोगों से जब बातचीत ही नहीं हो रही, तो हम लोगों ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा। चूंकि हम पिछले बार भी चतरा, दुमका, हजारीबाग कई सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जब कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो पार्टी एक स्वतंत्र इकाई है, उन्होंने अपना फैसला 15 दिन 20 दिन पहले ही लिया था, कहा था कि अगर आप सीट शेयरिंग की बात अगर नहीं लाते हैं सामने, सबसे बात नहीं होती है, तो सभी पार्टियां अपना अपना स्वतंत्र चुनाव लड़े, लोकतंत्र है तो सभी पार्टियों को अपना अधिकार है लड़ने का, इसलिए हम लोगों ने अपना दाव क्या होता, हम लोगों ने प्रत्याशियों को उतारा, क्योंकि हमने कहा कि हमारे यहाँ बहुत पैसे का खेल नहीं होता है, हमारे प्रत्याशी हमारे कैडर, हम किसी का इंतजार नहीं करते, कोई मेरी पार्टी में शामिल होगा तो हम उसको टिकट देंगे। तो ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कहा, मतलब नाराजगी थी, कहने का मतलब ये है कि जो फैसले जल्दी लिए जाने चाहिए थे वो फैसले नहीं लिए गए, तो और भुवनेश्वर मेहता इसी से नाराज हुए। नहीं, स्पष्ट बात है कि हम लोगों ने कहा था कि जब आप बैठ के बात करके पहले फाइनलाइज कर लिए, जो भी हो किसको क्या सीट मिले वो मतलब नहीं था, आप पहले बातचीत करके फैसला तो करते, कि गठबंधन का जो रूपरेखा था, जो आंदोलन हम लगातार 6-7 महीने से कर रहे थे ज्वाइंटली, तो उस आंदोलन में जो बैठ के तय करना चाहिए था किससे क्या बात होगी, नाराजगी की तो बात है, आप बात तो पहले करते, तो जब बात ही नहीं हुआ था उस पर, तो फैसला स्वतंत्र, हम तो स्वतंत्र, हमने फैसला लिया, हमारी पार्टी ने फैसला लिया उसको लिए। चलिए, फैसला लिया। इस सवाल बहुत अहम जुड़ा हुआ है आपके इस गठबंधन को लेकर, क्योंकि देखिए बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका नजर आ रही है, चाहे विधानसभा में, विधानसभा के चुनाव में कौन बड़ा भाई का किरदार निभाएगा, लोकसभा में कौन बड़ा भाई बनेगा। अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। राजेश जी, ऐसी क्या दिक्कतें हुई, अब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो पाया, औपचारिक रूप से आप ऐलान ही नहीं कर पाए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। बातें हो गई हैं, सहमति बन गई है, थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा, आपने 3 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया, लेकिन लोहरदगा को लेकर पेच फंसा था, उधर चमरा लिंडा भी खासे अपने तेवर में नजर आ रहे, क्यों ये सब पक क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है? देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि सीट शेयरिंग में कोई कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन की बात नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात है राजेश जी, अब तक खुल के आपके किसी लीडर ने नहीं कहा है। नहीं, मेरी पहले ये बात, इस बात को आप गलत साबित मत करिए। झारखंड में जो चुनाव होना, आपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऐलान किया है, प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान भी कर दिया। आपकी बातों को मैं बिल्कुल तब तक नहीं सुनूंगी जब तक आप मेरे इस बात को नहीं मानेंगे। आपने क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, कौन कितने सीट पर कहां से लड़ रहा है, क्या अनाउंसमेंट है कांग्रेस की तरफ से? निश्चित तौर पे सारी चीजें फाइनल हो चुकी है, बस यही आपने देखा कि 16 पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के सभी लोग दिल्ली में रामलीला मैदान में इतने बृहद स्तर पे ये रैली हुई, और उस रैली से पहले सारी चीजें तय हो चुकी है, सभी ऑल इज वेल है, निश्चित तौर दिल्ली में ऑल इज वेल, और झारखंड में रास्ता सामने आ जाएगा, और झारखंड में क्या है सर को मिलेगा? नहीं, दिल्ली में सब कुछ है, दिल्ली में बड़ा मंच है, बड़े लोग हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं, और झारखंड में कोई पूरे तरीके से झारखंड में भी ऑल इज वेल है। झारखंड में गठबंधन, इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, और अब देखिएगा जो राज्य के सीएम आदरणीय, आपने देखा चंपा सोरेन जी ने जो बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट पे भी नहीं आ पाएगी, 14 की 14 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। चलिए, 14 सीटें जीतेगी गठबंधन, लेकिन उसके लिए पहले एकजुटता दिखानी होगी। तनु जी, रमाकांत जी, मैं आपके पास आखिर में इसलिए आऊंगी क्योंकि पहले ये सवाल इनसे बनता है, इंडिया गठबंधन बहुत, जो इंडिया अलायंस आया बहुत तामझाम के साथ कि बीजेपी को रोकना है, एनडीए को रोकना है, लेकिन झारखंड में ऐसा लगता नहीं कि पूरी तरह से बात बन पाई है। जेएमएम ने तो अभी तक ये भी नहीं कहा है कि कौन से प्रत्याशी कहां से है, क्यों तनु जी? देखिए आरती जी, सबसे पहले तो मूल प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से 10 वर्षों में
जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा, जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ छलावा किया गया, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी पर अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भारतीय जनता पार्टी ने बख्शा नहीं। और जिस प्रकार से चंदा खोरी करके लोगों के पॉकेट से पैसा निकलवा कर नोटबंदी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया, इसलिए देश के वित्त मंत्री के हस्बैंड ने यह कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा घोटाला कभी नहीं हुआ था इस देश में, और आने वाले समय में यह देश का और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा घोटाला बन जाएगा। तो यह जो गठबंधन की बात हो रही है, यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को, उनके कुशासन को खत्म करने के लिए था, और जिसकी आज झलक, न सिर्फ झलक बल्कि एक महाझुटान महाहुंकार के साथ आज देश के दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से दिखा। और किस प्रकार से महिला शक्तियों ने, आरती जी आप भी एक महिला हैं इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि आप हम सभी पुरुषों का सामना अकेले कर रही हैं एंकर की तरह, और आज उसी रामलीला मैदान से महिलाओं ने, और उसमें झारखंड की भी महिला थी आदरणीय कल्पना सोरेन जी ने, जिस प्रकार से हुंकार बनने का काम किया है, जिस प्रकार से आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने की बात कही है, आदिवासियों के प्रतिनिधित्व करने की बात कही है, हम समझते हैं कि ये छोटे मसले हैं, गठबंधन में सीट शेयरिंग बहुत लीस्ट चीज है, क्योंकि ये चुनाव, ये चुनाव मैं बता रहा हूं क्यों, आपके जवाब मुझे पता था कि आप ये प्रश्न करेंगी, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात कही कि लिस्ट, इसलिए कि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है हमारे यहां, कोई दल भी नहीं चुनाव लड़ रहा है, इसलिए तो नाम है इंडिया, कहां नाम आता है आरजेडी कांग्रेस सीपीआई एमएल वाम दल, कहां नाम आता है, नाम आता है इंडिया, इसलिए झारखंड की जनता चुनाव लड़ेगी। और ठीक ही कहा हमारे पार्टी के महासचिव आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कि सिंगल डिजिट में आएंगे, और मैं बताना चाहता हूं, उस पर ऐड करना चाहता हूं कि सिंगल डिजिट में जीरो भी होता है और जीरो का भी महत्व होता है, वही सिंगल डिजिट की वो बात कर रहे थे, जीरो पर आएंगे ये नहीं, जीरो की, जीरो पर आएंगे, चलिए ये आपका एक स्पेक्युलेशन हो सकता है, लेकिन ये एक सवाल है, आधी आबादी ने क्या किया, बड़ा मंच सजा, ये मैं कह रही हूं कि एक साथ इतने सारे दल आए, विपक्ष एक साथ जुटा नजर आई एकजुटता, झारखंड में क्यों ऐसा नजर नहीं आ रहा, आप बताइए। मेरा सवाल बस ये है कि अगर आज सीपीआई अलग हुआ है तो इसके पीछे वजह क्या रही, नाराजगी है ना, उस नाराजगी को दूर क्यों नहीं किया गया, आज उस, आज रामलीला मैदान में तो सब सब आपको दिखे ना, हाँ। सभी दल के लोग दिखे, और हम झारखंड की बात कर लेना तनुज जी, वही झारखंड की बात कर, झारखंड की ही बात करेंगे हम, दिल्ली की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से आज जो हुंकार भरने का काम हुआ है, उसके बाद सब अपने अपने राज्य में ही जाएंगे, नहीं राज्य में जाएंगे, आपके इसी सवाल का जवाब दे रही हूँ, लोहरदगा से प्रत्याशी जब दिया क्या कांग्रेस की तरफ से जी, तो आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने ही कहा ना कि सिर्फ प्रत्याशी देना बड़ी बात नहीं है, जीतना, जीत की गारंटी होनी चाहिए, इसके पीछे का तथ्य क्या है, मतलब आप सशंकित है कि शायद वहां जीत की गारंटी नहीं है, पूरे मजबूती के साथ वहां पे महागठबंधन के सभी लोग रहेंगे, वहां क्यों सभी लोकसभा में, और चंद्रा लिंडा के लिए क्या कहेंगे, एक सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए हाँ। आरती जी आपने तो लोकसभा की सीट की बात कह दी हाँ। लोहरदगा की, पिछले दिनों अभी कल ही या परसों भारतीय जनता पार्टी ने गांडे विधानसभा में प्रत्याशी दिया, घोषणा की है, आजसू उससे सहमत नहीं है, इनका सबसे बड़ा सहयोगी जिनके, जिसके दम पर ये सपना देखते थे, उसने सहमति नहीं जताई है, विरोध जताया है, ये सवाल लीजिए,
नहीं मुझे ये पॉलिटिक्स थोड़ा सा अजीब लगता था जी। तो कोई मैं नहीं मुझे जब भी जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना तो ये जरूर मैं जेएमएम के लिए सिर्फ नहीं मैं जेएमएम के लिए सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ हम गांडे पर नहीं मैं जेएमएम के लिए सिर्फ नहीं बोल रही हूँ मेरी बात सुन लीजिए मैं ये बीजेपी के लिए भी बोल रही हूँ। बीजेपी से ऐसे सवाल जब किए जाए तो कहते हैं जेएमएम ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं, जेएमएम से किया जाए तो उसने ऐसा किया। खैर इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। बीजेपी से सवाल ले लेते रमाकांत जी, बड़ा मंच सजा सब कुछ, मुझे लगता है कि आप लोग कॉन्फिडेंट तो है ही कि पिछली बार 11-12 थे हम 13 पर थे तो इस बार 14-14 यानी सुपड़ा साफ करने की पूरी रणनीति आपकी तैयार हो रही है विपक्ष की कि हम यहां पर एनडीए यहां पर पूरे 14 सीट जीतेगा। लेकिन राहुल गांधी को आज रामलीला मैदान में सुना होगा, उन्होंने मैच फिक्सिंग की बात कही, क्या वाकई मैच फिक्सिंग हो रही है, हुई है या होने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जी ने जो बातें कही, प्रश्न सवाल आपका दूसरा था लेकिन उन्होंने जवाब दूसरा दिए। प्रारंभिक तौर पे इनकी भूमिका सही थी इनके मामले में। पहले आपका जवाब मैं देता हूं। राहुल गांधी जी की जो बयान है मैच फिक्सिंग की, युद्ध क्षेत्र में लड़ाई में जब जाने के लिए सारी तैयारी होने के बावजूद भी यो योद्धा को डर लगता है और डरे हुए योद्धा जो होता है कापुरुष होता है, वो व्यक्ति लड़ाई से भागता है और युद्ध से पहले ही वो हार मानने के लिए कई तरह के षड्यंत्र की भाषाएं कहता है और वो लड़ने के लिए बाहर भागना चाहता है, ये उन्हीं की भाषा। अरे भाई युवा हैं, अभी तो उनकी विवाह भी नहीं हुई है, अपने आप को युवा कहते हैं लेकिन 50 से पार हो गए हैं, व्यंग है आपका ये। लेकिन आज तक उन्होंने उनके द्वारा आज तक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, अभी तक कांग्रेस पार्टी को संजीवनी नहीं मिल पाई है। जहां तक झारखंड की ओर जो दिल्ली रामलीला की बात है, गोस्वामी ने लिखा कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब ये अभिमानी अहंकारी व्यक्ति जो अपने परिवार के बचाने के लिए राष्ट्र को केंद्र नहीं मान करके परिवार को केंद्र मान के काम करके ये टिड्डी दल की भांति दिल्ली के रामलीला में, वह भगवान श्री राम जी की लीला है, वो ये बुलाए जा रहे हैं दिल्ली में, ये आइए यहां ये टिड्डी दल लजाएंगे और प्रधानमंत्री की जो सूर्य की भांति जो तेज है उस तेज में ये भ्रष्टाचारी टिड्डी दल जल के राख हो जाएंगे, आप देख लेंगे यानी कि वही हाल होगी। और ये कह रहे हैं गरज गरज के कि इन 5 सालों के अंदर, ये 4 साल ये सोरेन जी की सरकार रही, यहां हेमंत सोरेन जी की सरकार रही और अभी चंपाईदा की सरकार चल रही है, ये मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जिन मुद्दे को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाई थी यहां पर, वे मुद्दे पे इनको जवाब देनी चाहिए। उन मुद्दों पर जवाब नहीं दिया है क्या? नहीं दिया, लेकिन इनके अंदर की हृदय के उद्गार थे कि हमने यहां पे नौकरियों को बेचा, युवाओं के सपने को बेचा। भाई माननीय कल्पना सोरेन जी क्या है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी भर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनके कोई विशेष दायित्व नहीं है। दायित्व नहीं है लेकिन अब पार्टी को लीड करती तो नजर आ रही है, प्रतिनिधित्व तो कर रही है ना। क्या तो क्या है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये बस चेहरा, ये चेहरा कैसे बन सकती है जब वो पार्टी के अधिवेशन हुआ नहीं, उनका कोई दायित्व का उनका उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद ये क्या है, व्यक्तिवादी व्यवस्था को दिखाता है और ये विचारधारा की बात कभी नहीं करते, ये इंडी गठबंधन वाले विचारधारा की बात नहीं करते, ये भ्रष्टाचारी अपने आप को बचाने की बात करते हैं और यही वजह है कि देश की जनता इसे हाशिए में धकल रही है। और ये जो देखिए मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने के लिए कौन मना किया है, देखिए ना भाई 1-2 सीट नहीं है अभी, और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट नहीं रहेगी, हमारे साथ तो सब सीटें हैं। मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं और सिर्फ इसी पर नहीं, ईवीएम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर सवाल है। योद्धा को जो योद्धा होता है उनको ये सब बात करने की क्या आवश्यकता है, अरे युद्ध क्षेत्र में सामने आए, मतलब आप सीधे रणभूमि में आइए, दो हाथ करिए, दो हाथ कर लीजिए, कुछ कह रहे हैं, भाषा कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ में, वो भाषा कर रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, उस महाभारत की लड़ाई से ये भाग रहे हैं पहले ही, लड़ाई से वाकई या तो आप कहां से भाग करके वायनाड चले गए, विपक्ष भाग रहा है लड़ाई से और इसलिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये अपने आप पे इंडी गठबंधन जो बना, इससे पहले यूपीए गठबंधन था वो तितर बितर खत्म हो गया, रमाकांत जी आते गठबंधन बना वो खत्म हो गया, इंडी गठबंधन हुआ,
अब तनुज जी बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन, ये वेस्ट इंडीज वाला गठबंधन है, नहीं ठीक है ना, ये ईस्ट इंडिया वाला गठबंधन है, ठीक है, वो कौन सा गठबंधन है, वो उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो किस गठबंधन में रहेंगे। रमाकांत जी, वो उनका विपक्ष का अधिकार क्षेत्र है, वो क्या गठबंधन तय करते हैं, नाम क्या तय करते हैं, वो उनके अधिकार में है। तनुज, क्या वाकई विपक्ष युद्ध स्थल पर जाने से पहले भाग रहा है? कुछ सरेंडर जैसी बातें भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जैसे लूट खसोट मची है कि हम ये सीट लेंगे, हम वो सीट लेंगे, हमारे खाते में ये जाना चाहिए, टूट फूट हो रही है, क्या ये जो आरोप है वाकई विपक्ष भाग रहा है? देखिए आरती जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से आए हुए रमाकांत जी, जो ये जिस तरीके की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया अभी अभी आदरणीय कल्पना सोरेन जी के लिए और एक महिला के लिए, ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त के बाहर है। मैंने रमाकांत जी सुन लेते हैं, फिर डिस्कशन नहीं हो पाएगा, सुनते हैं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जवाब दे दीजिएगा रमाकांत जी, सुन लेते हैं पहले। मैं पुनः बोलता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आदरणीय कल्पना सोरेन जी के विषय में और एक महिला के विषय में, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में आरती जी आपको कोट किया क्योंकि बात महिलाओं की करनी थी और आप, हम चार यहां बैठे हैं, आप अकेले एक महिला हैं, कौन है, क्या है, इस तरीके की भाषा महिलाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है यहां से लेकर प्रधानमंत्री तक, इसको दर्शाती है। आप पूछ रहे हैं कि कौन है कल्पना सोरेन, झारखंड की जनता देख रही है और इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलेगा कि कौन है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन, कल्पना अब वास्तविकता हो चुकी है और इसी वास्तविकता से, अब कल्पना नहीं है वो, अब वो वास्तविकता है, वो वैसी वास्तविकता है जो भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिलाने के लिए काफी है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना आपके ताबूत में आखिरी खील साबित होगा। माफी मांगनी चाहिए, भूल जाइए कि उनका नाम क्या है, वो किन की पत्नी है, लेकिन एक महिला का सम्मान कीजिए आप, कौन है, क्या है। चलिए इसके वो समझ गए होंगे कि किस चेहरे की बात हो रही है और कैसे व्यक्तित्व की बात हो रही है। राजेश जी, कांग्रेस से सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन में फूट पर हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही चला तो फिर चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा, क्या नतीजे आएंगे। क्यों अब तक नहीं, मेरी 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 बात पूरी होने दीजिए, आप ही लोग ज्यादा बोलते हैं ना, मैं तो सिर्फ सवाल करती हूँ। क्यों आरजेडी ने जब बिहार में भी सीटों का बंटवारा किया तो आपके हिस्से जो सीटें आई उसे लेकर भी सवाल उठे, यहां पर भी उसने ये फिक्स कर दिया, आरजेडी की तरफ से फिक्स हुआ कि उसे दो सीटें चाहिए ही चाहिए, चतरा और पलामू, जिस पर कांग्रेस राजी है नहीं, एक सीट देने के पक्ष में है, तो ऐसा क्यों? मुझे लगता है, देखिए आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि आरजेडी तैयार नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में पूरे तरीके से एक सीट की बात हुई है ना आरजेडी के लिए, और ऑल इज वेल रहेगा, पूरी मजबूती के साथ गठबंधन चुनाव लड़ेगी। कैसे? रही बात रमाकांत जी ने जो अभी बात को बोला, अपनी बातों को रखते हुए कि आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में कि योद्धा होते तो चुनाव में लड़ाई लड़ते, भाजपा ने सीधे तौर पे और देश के प्रधानमंत्री ने अगर किसी को टारगेट किया है तो सीधे तौर पे आदरणीय राहुल गांधी जी को टारगेट किया। आरती जी, आप देखते होंगे हर एक भाषण में प्रधानमंत्री जी का, अगर उनको किसी भी बात को रखना हो तो कांग्रेस राहुल गांधी जी, कांग्रेस राहुल गांधी जी। अरे 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके ये सरकार आई थी, 15 लाख बैंक अकाउंट में देने के वादा करके ये सरकार आई थी। अगर किसी ने जुमला दिया है पूरे देश में तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। अभी तो आप लोग भी मैनिफेस्टो लेकर आएंगे ना सर जी, देश में इतिहास रचने का काम अभी अभी तो आप लोग के पास मौका है ना सर, अभी पैदल चलने का काम को किया, यात्रा निकाल करके उसका नतीजा दिखेगा। देखा अभी, अभी आपने देखा मणिपुर में इतना बड़ा घटना घटा, लगातार वहां पे आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, प्रधानमंत्री ने बोलने तक को राजी नहीं थे देश के प्रधानमंत्री। अगर कोई नेता जाकर के वहां से आवाज उठाया तो केवल और केवल देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आरती जी, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तो जनता ये सब देख रही है ना, नेतृत्व में राजेश जी जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी ना, देखिएगा लेकिन अभी तो हम बात ये कर रहे हैं ना कि आप अपने घर के झगड़े कैसे सुलझाएंगे। कहीं कोई झगड़ा नहीं है आरती जी, मैंने बोला आपके माध्यम से मुझे जानकारी, अगर हमारे माध्यम से आपको ये पता चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है सर, सीटों का हमने घोषणा किया है कांग्रेस पार्टी ने पूरे तरीके से गठबंधन में, ऑल इज वेल है। तो क्या दो सीटें आरजेडी को देगी कांग्रेस, दो सीटें आरजेडी को देगी कांग्रेस, हाँ या ना, में जवाब दीजिए मुझे, अगर झगड़ा नहीं है तो। चाय हो चुकी है,
पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो है, राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत हो चुकी है। लालू यादव जी राजद की तरफ से आदरणीय लालू यादव जी, नहीं आप बाकी चीजों में मत उलझाइए, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या दो सीटों पर कांग्रेस राजी है? आपको रास्ता साफ दिखेगा, अब तक साफ नहीं हुआ है, दिन में रास्ता साफ दिखेगा, आप देखिएगा प्रत्याशियों का भी घोषणा हो जाएगा और झारखंड में 14 सीटों पर। ठीक है अजय जी, अब माले की भूमिका क्या होगी? इंडी गठबंधन में आप है नहीं, तो अब अपने प्रत्याशी आप चार सीटों के लिए तो ऐलान भी कर चुके हैं, कैसी भूमिका रहेगी अब? देखिए भूमिका की जहां तक की बात है, हम जन संघर्ष करते रहते हैं लगातार झारखंड को लेके, चिंतित है। नहीं, अब तो फ्रेंडली फाइट जैसी सिचुएशंस भी आएंगी ना। मैं झारखंड के बारे में केवल बात करूंगा, कोई भी नेता जो है ऑथेंटिक, हम झारखंड के बाहर के बारे में बात करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। झारखंड में सीपीआई जन आंदोलन लगातार चलाती आई है और लगातार हम आंदोलन करते रहे, जैसे कई चर्चाएं इन्होंने कहा, हमने कई बार देखा, शुरुआत गठबंधन की धर्म की बात जब कर रहे भाई हमारे करे इंडिया गठबंधन सब चीज ठीक है, तो हमको लगता सबसे पहली बैठक भी सीपीआई ने ऑर्गेनाइज किया, 2015 से बात करें, 2010 सालों का इतिहास कर रहे, तो सभी जब गठबंधन दल में हम लोगों ने हर नेतृत्व किया, अगुवाई किया, हर नेतृत्व को आगे लेके जाने का काम किया, हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, हमारा जनसंघर्ष कर रहे हैं हम, जरूर हो सकता है हमारे पास बहुत पार्टी के पास पैसा नहीं कि हम इनके तरह घोषणा करें, आज बार बार आप पैसों को, मैं आरती जी इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मैं इलेक्टोरल बोर्ड से भी हमने चंदा नहीं है, चूंकि हमारा कहना कि हम जिसका पैसा लेते हैं, अपने गरीब मजदूरों का पैसा लेकर चुनाव भी लड़ते हैं, तो हमें पहले तैयारी करनी पड़ती है, हमें 6-4-5 महीने से पहले से तैयारी करनी पड़ती है, हम कॉर्पोरेट जगत से चंदा भी नहीं लेते क्योंकि कॉर्पोरेट के खिलाफ हम आवाज लगातार उठाते हैं, कोई भी पार्टी हो हम कहते हैं कि हम गर्व से कर सकते हैं कि चाहे मोदी जी कितना भी करप ईडीसीडी भेज, कोई भी वामपंथी नेताओं पर उनका हौसला नहीं हुआ कि किसी वामपंथी नेता पर ईडीसीडी ईबीआई का रेड कराने का प्रयास कर सकते हो। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे रामाकांत भाई जी ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था राहुल गांधी जी के बारे में, बोले तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं जाना चाहता हूँ, कहा राहुल गांधी ने शादी नहीं किया, भैया अगर वो शादी नहीं किए तब आपको तकलीफ, जब शादी करके आपके नेता शादी करके छोड़ सकते हैं तो ज्यादा कष्टदायक है, इससे बढ़िया अगर वो नहीं किए हैं तो कम से कम आप कुवारा कह सकते हैं ना, लेकिन शादी करके किसी को छोड़ना होता है तो यह तो हिंदुस्तान की नारी का अपमान है, व्यक्तिगत बातों को दरकिनार, इसलिए कहा कि उनको इस व्यक्तिगत बात को नहीं रखना चाहिए, दरकिनार करते हैं, दरकिनार करना चाहिए और ये बताने का काम करें कि कई कई जगह, जैसे कई कहा इन्होंने, जहां भी कुछ दिक्कत होता है किसी पार्टी ने आवाज उठाना शुरू करता है, चाहे इनकम टैक्स का रेड हो, ईडी का रेड, कई पार्टियों का आईटी सेल से आप देखेंगे कि अकाउंट फ्रीज करने का काम किया जा रहा है, हमारी पार्टी को भी नोटिस दिया गया कि आपका भी अकाउंट, जबकि हमने इलेक्शन आज रामलीला मैदान में इसकी भी चर्चा हुई थी, हम कह तो कैसे जाएंगे जनता के बीच, तो कैसे जाएगी, पैसे नहीं है उनके पास, कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सर्वप्रथम घोषणा किया था कि हमारा पूरा अकाउंट, हिंदुस्तान में अगर कोई पहली पार्टी होगी जिसने पूरे अपने चंदे का लेखा जोखा इलेक्शन कमीशन को देने का काम किया था। लेकिन इंडिया अलायंस की यह भी बड़ी खासियत है भाई, अपना जहां जहां जिसको जहां मजबूती लग रही है वहां पर हम अलग चुनाव लड़ेंगे, जहां पर लग रहा है कि हम थोड़े कमजोर हैं तो हम भाई इकट्ठे आ जाएंगे, ये चीज है, आएंगे आप सभी के पास, हम देंगे जवाब देंगे, प्लीज प्लीज। आप बीजेपी इस बार ये सब जो चल रहा है इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में ये सब जो चल रहा है, क्या ये बोनस पॉइंट जैसा है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ रहा है, या फिर आप इसे ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं अगर तैयारियों में कुछ चूक रह गई इस कॉन्फिडेंस के जरिए? देखिए कई सीटें की बात हो रही है यहाँ पे, जो विषय है सीट शेयरिंग को लेकर के, हमको लगता है कभी कभी विषय से हम लोग बाहर जाते हैं, तो मान लीजिए ये अभी भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग सभी सीटों की घोषणा कर दी है, और जहाँ तक एनडीए अलायंस की बातें हैं, ये कह रहे थे तनु जी की नहीं गांडे बे ऐसा हुआ तो यहाँ हुआ, आज सुखी नाराजगी की बात है, ऐसे बातें हैं भाई, ये दिलीप जी को लेकर हाँ इस प्रकार की बातें हैं, मैं गांडे की भी चर्चा करूंगा और इनके अधिकृत प्रवक्ता जो है, मुख्य प्रवक्ता जो है, महासचिव भी है, जनरल सेक्रेटरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, सुप्रियो जी का बयान आया था जिस दिन वहां पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, उसके उसी दिन आई बयान आया, अखबारों में आया, मीडिया में आया कि भाई ये जीतना है कांग्रेस पार्टी को, और बाकी जो कोई वहां पे लड़ना चाहता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इशारा वही था कि वहां से यदि कोई लड़ना चाहते हैं तो उसमें
भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसमें ये नहीं है, लेकिन पार्टी का ये है। तो यानी चमराल इंडा जी फिर से चुनाव लड़ेंगे, वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहमति नहीं है जहां। और इसके अलावे अभी मान लीजिए आरजेडी की बातें हैं, आरजेडी में कई सारी बातें आई है, बड़े नेताओं के बयान आए झारखंड के कि हम पलामू लड़ेंगे, चतरा लड़ेंगे। स्वयंभू नेता यहां पे बहुत ज्यादा हैं, इनके आपसी समन्वय का लगता है अभाव दिखता है। चतरा पे तो कांग्रेस पहले से तैयार है, लेकिन पलामू को लेकर जो भी हो। इसके अलावे ये गांडे की जहां तक बात कर रहे हैं, गांडे चूंकि इसलिए याद है तनुज जी को कि गांडे से एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हुआ करते थे प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, उन्हें बहला फुसला करके ले गया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और कहा गया कि भाई कोडरमा से चुनाव लड़ाएंगे, कोडरमा से चुनाव लड़ाएंगे आपको, बेचारे को बलि दे दिया गया। अभी उनके फिर बोलते कि बहला फुसला नहीं, तब तो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। सीधे सीधे सादे अब मान लीजिए डॉक्टर साहब तो हैं, ये भी तनुज जी भी हैं, इसलिए देखिएगा विषय से विषय था सीट शेयरिंग का मामला ले गए दूसरे राजनीतिक मुद्दे पे। भाई ये जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं प्रबुद्ध वर्ग के, ये लोग धारा को अपनी ओर मोड़ने में कामयाब होते हैं। तनुज जी ने शुरू में 5-7 मिनट उसमें काट ली, ठीक है। ये सारी चीजें हुई, जो बातें उठी, अब बातें ये बात है कि भाई आपने कहा कि भाई नारियों के सम्मान की बात, और मैंने नारियों के सम्मान में वो बातें नहीं की थी। विषय में मैंने क्या रखी थी इस बात को शायद पहचान नहीं समझ पाए होंगे। मेरी कहने की मतलब थी कि ये जो इंडी गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर जो लोग हैं या दल हैं, ये व्यक्ति को प्रधान मानते हैं, व्यष्टि प्रधान है, ये समष्टि प्रधान नहीं है। और ये जब भी बात करेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हो, कम्युनिस्ट इस बात को नहीं करते, ये वो नहीं है, इसमें मैं मानता हूं उनमें, मैं चीज के वो लोग अपने व्यक्तिवादी पे नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो दल है बाकी जो आज दिल्ली में जुटे थे अधिकांशतः कम्युनिस्ट छोड़ करके, ये जो दल हैं, ये दल आप देखिएगा हमेशा एक परिवार के प्रति ही अपनी सारी चीजों को केंद्रित कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमसे हमेशा अपने विचारधाराओं को लेकर बात करती है। और मुझे ये कैसे कह दिए कि मैंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, कल्पना सोरेन जी को मैं क्यों कहूं, भाई माननीय हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी है, वो सम्मानित है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि भाई उसमें से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस तरीके से था, मैं याद दिला दूं इन्हें कि वहां पर पहले अधिवेशन होता था, अध्यक्ष बनते थे, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जी बड़े हुए या पार्टी में उनको समाहित किया गया, पार्टी में पदाधिकारी बने, उसके बाद स्पेशल मीटिंग उसके लिए बुलाई गई, संविधान में चेंज किया गया और उसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया ताकि शिबू सोरेन जी के पास उसको बनाया जा सके। अब क्या है, अभी भी ये तो पार्टी का अंदरूनी मसला है ना, मैं मानता हूं उसको, मानता हूं, लेकिन अब क्या है, मान लीजिए हेमंत सोरेन जी अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, माननीय शिबू सोरेन जी केंद्रीय अध्यक्ष हैं, अब उसके धर्मपत्नी जो है पार्टी में, जिस तरीके से तर्जी की बात हो रही है, ठीक है धर्मपत्नी है तो अब दे सकते हैं, लेकिन पार्टी में क्या है, ये मेरा प्रश्न था इन्हें। मैं मुझे इसे कोई एतराज नहीं कि वो किससे क्या करे, उसे भाजपा को कोई लेना देना नहीं, ये नहीं है, लेकिन ये इसको अन्यथा लेना। और जहां तक महिला सम्मान की बात है, महिला सम्मान में आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने और यहां भी आज लोकसभा चुनाव में जितनी महिलाओं को हमने टिकटें दी है, 3 महिलाओं को टिकट दी है, मैं दावे के साथ कहता हूं या इन्हें चुनौती देता हूं मैं इस बात को कि ये तीन, आपने गीता कोड़ा भी आई है, 3 महिलाओं को हम लोगों ने लोकसभा में टिकट दिया है, ये सम्मान दे सकते हैं। तो ये तो राज्यसभा में बुलाते हैं, शिबू सोरेन जी घर बुलाए माननीय गुरु जी, और सविता महतो के आंसू टपका के भेज दिए कि राज्यसभा का टिकट नहीं दिए, तो ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, ठीक है, ये स्थिति है इनकी। महिलाओं का सम्मान गठबंधन से भी हम चर्चा कर लेंगे सर, अभी मुद्दा कुछ और है। चलिए ये बातें हो गई। राजेश जी एक फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि बहलाने फुसलाने की बात हो रही है, जेपी पटेल को भी बहलाया? मुझे लगता है सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने गीता कोड़ा जी को बहलाया होगा या फिर सीता सोरेन जी को बहलाया फुसलाया होगा, जबकि प्रोफेसर लिखते हैं। रही बात व्यक्तिगत की, बात इन्होंने की कि व्यक्तिगत तौर पे किसी एक का नेता इन लोगों को ये लोग मानते हैं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेता ये तय करें कि ये भाजपा सरकार लाएंगे कि मोदी सरकार लाएंगे। व्यक्तिगत अगर कोई चलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चलते हैं, ये कहीं नहीं लिखते कि भाजपा सरकार, ये लिखते 400 पार मोदी सरकार। तो मोदी जी और अमित शाह जी से ये बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, यही लोग हैं जो कि केवल और केवल व्यक्तिगत लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो कॉरपोरेट घराने की बात हो, अडानी अंबानी की बात हो, या देश में केंद्र में सरकार चलाने वाले की बात हो। परिवार पे सवाल उठा तौर पे
20 से 25 टिकट इन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के पुत्र और पुत्रियों को दिया। आपको मैं बोलो तो मैं नाम गिना देता हूं। हाँ, नहीं नहीं नाम, लेकिन नाम गिनाने की इनका क्या है, ये करे तो बहुत बढ़िया। कांग्रेस पार्टी में अगर कांग्रेस पार्टी के नेतागण कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। आज अगर गठबंधन की चर्चा हो रही है तो मैं तो आरती जी पूछना चाहता हूं कि चलो गठबंधन इंडिया गठबंधन में सारी चीजें ऑल इज वेल है, निश्चित तौर पे एक दो दिनों में रास्ता आपके इस ऑल इज वेल पर सवाल मैं आपके माध्यम से भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इतना पेट में दर्द इनके पेट में क्यों हो रहा है। हम लोग अगर डिले कर रहे हैं, हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है ये जो झूठी निकम्मी गूंगी बहरी सरकार इन्होंने 10 साल चलाया, इनको रोकने का काम हमको करना है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के जो सांसद यहां से 12 सांसद जीत करके गए थे, लगातार आपने देखा आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ, इनके नेतृत्व में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी, भाजपा के नेतृत्व में देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, 2 महीने लगातार मणिपुर में आपने देखा किस प्रकार आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। देखिए, मैं बीच में ये कहना चाह रहा था कि देश के अंदर में जो महिलाओं के हक अधिकार की बात करता है, कोई भी वो होता है जो महिलाओं के हक और अधिकार की बात करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये चरित्र और सभ्यता से खिलवाड़ कर रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहा है। कोई अगर किसानों की हक और अधिकार की बात करता है तो उसको आतंकवादी और अलगाववादी कहा जाता है। कोई अगर जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको अर्बन नक्सली बताते हैं ये लोग। कोई अगर नौकरी मांगता है तो उसको देशद्रोही बताते हैं ये लोग। तो ये तो ऊपर से नीचे मैंने गिना दिया इस कथन में कि युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी, और ये बात कर रहे हैं हमारे सीट शेयरिंग पर, हमारे पार्टी के अंदर पर, कि लगता है कि शॉल ओढ़ करके जाते थे क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन में देखने के लिए? जाते होंगे, कई लोग जाते हैं वहां, तो बिना बुलाए लोग आते हैं। हमें चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती है बीजेपी की तरह, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, बेहिसाब लोग आते हैं। हो सकता है कि गए होंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं। सुन लीजिए, मैं खत्म कर दीजिए। तो आरती जी, बात यह है ना कि हम महागठबंधन के लोग कम से कम ये नहीं करेंगे कि प्लेयर को पिच पर उतार दिया, पैड पहनाकर, ग्लव्स देकर, हेलमेट देकर और ड्रेसिंग रूम से बुला लिया, आ जाओ वापस। हुआ ना, आदिवासी के नाम पर राजनीति करने की बात करते हैं ये लोग। सरना धर्म कोड तो दिया नहीं, लेकिन सुनील सोरेन जी को वापस बुला लिया ड्रेसिंग रूम से, अभी और भी किसी को वापस बुलाने की चर्चा हो रही है। इसका जवाब आपको देना होगा क्योंकि ये सवाल अधूरा रह जाएगा कि ग्लव्स पहनाए, पैड्स पहनाए, बैट भी हाथ में धराया आपने, पकड़ा दिया कि भाई आपको बैटिंग करनी है, लेकिन जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलने की बारी आई आपने वापस उन्हें बुला लिया ड्रेसिंग रूम में। भी पिच से बुला लिया ना। अच्छा, पिच से लेके बुला लिया। रमाकांत जी, लिस्ट तो जारी हमने नहीं किया है। यही तो है महिलाओं का सम्मान नहीं करना। हमने किन्हें दिया टिकट वहां पे? एक महिला को दिया। नहीं तो आपने पहले और वो कौन है? घोषित कर रखा था वो कौन है? बरसों तक उन्हें हाशिए पे रखा गया राजनीतिक क्षेत्र पे। अच्छा। अधिकार नहीं मिला उन्हें, उन्हें आंसू बहाई उनके पति ने, उन्होंने जो मोदी का आंदोलन किया, गुरु जी का परिवार ही आंदोलन किया, ये बात लिख करके चल रही है, संगठन को बढ़ा करके यहाँ भी है और यहाँ से भी वहाँ भी काम किया, और मोदी का परिवार नहीं बनेगा, गुरु जी का परिवार ही रहेगा, क्योंकि ये अभी बैकफुट पे है, ये बैकफुट पे है, परिवार ही रहेगा, वो मोदी का परिवार नहीं बनेगा ट्विटर हैंडल की तरह। सरकार पे अंगुलियां खड़ा रांची का HEC बदहाल है और 10 साल से आप लगातार केंद्र में है और अभी तो 1.5 महीने पूरा आंदोलन भी चला है। आरती जी वही कह रहा था, 10 साल से आप सरकार में है, वहां के मजदूरों को 24 महीने से वेतन नहीं मिला, इंडिया गठबंधन और आप सभी लोग आंदोलन कर रहे, आपके कार्यालय का भी घेराव किया गया,
आपने कहा भेल से उसका हम वो करवाने का काम करें, कहां है आपके झारखंड के प्रति केंद्र सरकार का नजरिया क्या है, आपका विकास के प्रति नजरिया क्या है? आप जो टिकट बंटवारे करते, क्या माफियाओं को टिकट नहीं दिया आपने झारखंड में? बताने का काम करें। अगर एचईसी का विकास की बात करेंगे तो हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। एचईसी का मजदूर 24 महीने से वेतन नहीं मिला है और लगातार हड़ताल पर, उसकी जमीनों को केवल बेचने का अगर काम कर रहे हैं तो बताइए आपकी राजनीति क्या है? परिवार पर तो बहुत बहस करते हैं, अरे विकास की भी बात करेंगे। जिंदा करेगा, पुनर्जीवित करेगा। सुनिए पहले सुनिए अजय जी, बहुत मजदूर आंदोलन आप लोगों ने किया है, ठीक है? चीन में पानी करता है, यहाँ छतरी फुटाइएगा आप लोग, वो सब मत करिए। महाभारत की बात कर रहे हैं, कोई नहीं, मैं अभी आपका जवाब देता हूँ। सुनिए, अरे आप ये अच्छाई की बात करिए, बात को सुनिए, ठीक है? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल गेट से कितना बड़ा झूठ बोला है कि एक एक इंच हमने गरीब गांव से लोहा मंगवा के स्टैचू बनवाए, चाइना से स्टैचू बनवा के लगवा दिए और बोलते हैं एक एक इंच हमने तसीला है। बताइए आप चाइना प्रस्ताव पे कि हम लोग है? ठीक है, राजेश जी कुछ कह रहे सुनते हैं, तब सारा जवाब इकट्ठे लेंगे हम। चलिए मैं जवाब दूंगा उन्हें। हाँ 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 बिल्कुल, आपका जवाब चाहिए सर, नहीं तो ये सारे सवाल अधूरे रह जाएंगे, फिर हम लोग कोई घर अधूरे सवाल के साथ ही जाएंगे। राजेश जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बीप कंपनी से चंदा इन्होंने लिया, पाकिस्तान की कंपनी से चंदा इन्होंने लिया, चाइना से चंदा इन्होंने लिया, खाते फ्रिज कांग्रेस पार्टी का किया ताकि हम चुनाव ना लड़ पाए। खाता के लिए तो कह रहे आईटी रिटर्न नहीं भरा। 10 सालों का इनको हिसाब देना चाहिए कि इन्होंने 10 सालों में देश के नौजवानों के लिए क्या किया, देश के किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं के विकास के लिए क्या किया। केवल और केवल इनको जुमलाबाजी इनका मिलेगा। एक काम अगर ये बता दे तो मैं मान जाऊं, एक काम। बहुत बढ़िया सवाल किया यहां सीपीआई के नेता हमारे बड़े भाई अजय जी ने। लगातार एचईसी में आंदोलन चल रहा है, 24 महीनों से वेतन नहीं मिला है। चलिए ये सब सवाल हो गया, रमाकांत जी फटाफट जवाब दीजिए तो मैं वापस अपने मुद्दे पर आऊं। क्या काम किया, इतने सारे सवाल हैं आपके लिए, जनता के लिए क्या विकास किया रमाकांत जी? जी ये हसुआ का बिहा में खुरपी का गीत गा रहे हैं, कोई बात नहीं है, मामले दूसरे हैं, ठीक है ना? सवाल है, बीच में आ गए तो जवाब दे रहा हूं। क्या हर्ज है? हाँ। अजय जी को ये भी देखना चाहिए था कि एनडीए की सरकार में, मोदी जी की सरकार ने बरसों से रुग्ण पड़े सिंदरी जैसे खाद कारखाना को खोलने का काम किया, यूरिया का कारखाना खुला देवघर में, कई सारे चीजें हुई यहाँ पे। और जहां पे एचएससी की बात है, वो मदर इंडस्ट्री है। अरे एचएससी हमारी सरकार 10 साल से है, उससे पहले 40-50 साल किनकी सरकारें थी वहां पे दिल्ली में, और उस समय ये क्या किए? ये बोलते हैं चंदा उगा ही नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ये उठाते हैं नहीं उठाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं केवल। क्या इनकी योगदान है देश के मामले में? ये कम्युनिस्ट वाले को जवाब देना चाहिए। आज ये हाशिए में देश में क्यों है, ये स्थिति क्यों पैदा हुई है? बोलता है एक भी इंडिया सीबीआई से जांच करने वाले सिंदरी को हमारे नेताओं को, जब सिंदरी के खिलाफ आपके नेताओं का सब चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री को आज हाल दिया आपने, ठीक है? चोर निकलेंगे अजय जी, प्रधानमंत्री अजय जी, रमाकांत जी, रमाकांत जी आप भी जवाब दीजिए। अजय जी आप सुन के आप बताइए क्यों नहीं दिया लोगों को? देवघर में यूरिया का कारखाना खुला, आपने प्रधानमंत्री को बधाई क्यों नहीं दिया? ठीक है रमाकांत जी, रमाकांत जी खत्म कर दे इस मुद्दे को, वापस लौटते हैं, ठीक है? मजदूर रहे जो मजदूर है लेवर छटाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मजदूर है लेवर का भागने का काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। अभी जब लोकसभा चुनाव की बारी आई, टिकट नहीं मिला तो राय अलग हो गई। गरीबों को मिटाने का काम दिया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने 25 करोड़ गरीबी की रेखा से काम किया, ये हाल कांग्रेस पार्टी ने किया था। ठीक है चलिए, नहीं नहीं इसके लिए नहीं, ये मुद्दा हटाइए, इस मुद्दे पर हम किसी और दिन बात करेंगे। रमाकांत जी ये क्या बात करेंगे? राजेश जी इस मुद्दे पर हम अलग से किसी दिन बैठेंगे। रमाकांत जी प्लीज, ये चाइना की बाई करते हैं रमाकांत जी, ये खुफियागिरी का काम कर रहे हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे। नहीं 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 ठीक है, तो आप लोग खुद ही बात कर लीजिए।
मैं कह रही हूं कि ये इस वक्त हम इस टॉपिक पे बस एक छोटा सवाल था, छोटा जवाब होना चाहिए। मेन मुद्दे से अगर भटकेंगे तो फिर क्या ही मतलब है इस डिस्कशन का। मैं सीधे सीधे जेएमएम से ये पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस ने तो 3 सीटों का ऐलान किया है, एक रांची को लेकर अभी भी पसोपेश चल रहा है, पता नहीं कब वो होगा। 2 दिनों तक बैठक चली, रामटहल जी वापस भी लौट आए, जेएमएम कब अनाउंस करने वाला है? देखिए 1 से 2 दिन 3 दिन का आप इंतजार कीजिए, आप सभी के सामने। कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस के साथ जीत है? नहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं है, क्या बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी निगाह लगा के देखती रहती है कि कहां से कुछ निकले, कुछ नहीं है पूरे। आज मजबूती देखिए आरती जी, दिल्ली में आज जिस प्रकार से देखने को मिला उससे ये साबित होता है। झारखंड में बिखराव दिख रहा है ना तनुज, मैं बार बार यही कह रही हूं। कोई बिखराव नहीं है, आप दिल्ली में जाइए, आप मुंबई चले जाइए, कहीं चले जाइए, हम बात झारखंड की कर रहे हैं। झारखंड में देखिए कुछ चीजों को लेकर आप मानेंगे ना, कुछ चीजों को लेकर आज सीपीआई अलग हुआ। ठीक है सुनिए, हम भी बात झारखंड के ही करने के लिए बैठे हैं, लेकिन जो कार्यक्रम दिल्ली में था ना, अब कार्यक्रम वैसे कार्यक्रम झारखंड में होते दिखेंगे, और झारखंड से लोग पूरे देश भर में जब जाएंगे ना यहाँ के नेता, तब पता चलेगा कि कितना प्रभाव है झारखंड का। यही झारखंड से आवाज निकलेगी तो मणिपुर भी जाएगी, गुजरात भी जाएगी, राजस्थान भी जाएगी, छत्तीसगढ़ भी जाएगी, और मध्य प्रदेश भी जाएगी, लेकिन कम से कम साउथ इंडिया भी जाएगा। प्रत्याशी तो और वही तय करेगा, ये चार चले। सुनिए आज एक नेता ने, आज एक राष्ट्रीय नेता ने उसी मंच से कहा कि ये 400 पार नहीं होंगे, 400 हार होंगे। ये कहा गया, बिल्कुल वही होने जा रहा है, ये 400 उन्हीं की बातों को मैं चलिए दोहरा देता हूँ, 400 हार होने जा रही है, इसलिए 400 पार बोल रहे हैं। और पार का मतलब सिर्फ पार नहीं होता है, झारखंड में पार का मतलब पार भी हो जाता है, पार का मतलब पार हो जाता है। रमाकांत जी बहुत छोटे शब्दों में आंसर दीजिएगा ना, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय जिंदा रहते हुए जीवित रहते हुए राहुल गांधी जी को पार कर दिए भाषण में, उसका स्पीच सुन लीजिए आप। सुन रहा था उस समय भी, वो अलग तो है। पार होते जाएंगे, आंकड़ों की बात करिए, ठीक है आंकड़ों की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 14 के 14 सीटें जीतेगी एनडीए के साथ में, और हमारा जो लक्ष्य है देश भर में वो हम 400 एनडीए सीटें पार करेगी। ये कह रहे थे ना कि मोदी जी की बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाद एनडीए के नेता, भारत के नेता, एनडीए गठबंधन के नेता माननीय मोदी जी हैं, तो चेहरा है हमारे, इनके चेहरा कौन है? मोदी चेहरा है, इसीलिए भाजपा सरकार की मोदी सरकार कहते हैं। आरती जी इन्हें पूछिए, इनके चेहरा कौन है, माननीय प्रधानमंत्री कौन बने? अभी राजेश जी जवाब दे रहे हैं, राजेश जी हां जवाब ले लेते हैं, अब समय नहीं है राजेश जी, ये पूछिए इन्हें, अजय जी से भी पूछिए उनके नेता कौन है। पूरी देश की जनता ने देखा लाल कृष्ण आडवाणी जी को, इन्होंने भारत रत्न देने का काम किया, और जब भारत रत्न दे रहे थे चौधरी जी को भी दिया, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, वो बात भी बोलनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदया खड़ी थी और प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, ये कहां का महिलाओं को सम्मान है? भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार, देखिए फिर आ गए आप उसी मुद्दे पे फटाफट, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप उसका जवाब दीजिए। चलिए मैं उस पे आऊंगा, मैंने कहा ना उसके लिए अलग से एक वुमेन्स डे और हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और उस पे बात करेंगे। अभी आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बड़े भाई हैं आप यहाँ पर इंडिया अलायंस के तहत, तो बड़ा भाई कब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगा? साथ ही साथ रांची को लेकर जो पेच चल रहा है कब सुलझेगा, और क्या वापस मेरा सवाल होगा, आप हाँ या ना में जवाब देकर जाइए, आरजेडी को 2 सीटें कांग्रेस दे रही है? देखिए निश्चित तौर पे जो रांची की बात आपने कहा और बाकी जो सीटें बची हुई है, 3 सीटों पे ऐलान हो चुका है प्रत्याशियों का, और आने वाले 2-3 दिनों में बाकी की जो सीटें हैं 11 सीटों पे भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी का घोषणा हो जाएगा, मतलब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 1 से 2 दिन में आपको सामने सारे रास्ता नजर आएगा साफ। और रही बात आरजेडी को 2 सीट देने का, तो निश्चित तौर पे सारी चीजें तय हो चुकी है दिल्ली में, इंडिया गठबंधन के लोग ये भी तो है सर, कि अनाउंसमेंट से पहले ही भोक्ता जी ने अपना बैनर पोस्टर सब रेडी करवा लिया, ये भी तो देखिए जरा। अब देखिए उनका प्रत्याशी भी घोषित कर दिया उन्होंने, निजी मामला है, नहीं, ये डिस्क्रिमिनेट हो गया, कोई परेशानी नहीं है गठबंधन में, ये उनका व्यक्तिगत मसला है। 2 से 3 दिनों में आपको पूरी तरह से रास्ता साफ नजर आएगा। गठबंधन का एक ही उद्देश्य है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे रोके, ये जो झूठी निकम्मी सरकार है, देश की जनता को जुमला देने वाली सरकार है, उसको किस प्रकार रोके, यही एक एजेंडा इंडिया गठबंधन का। आप देखना 14 की 14 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगी, और 0 पे आएंगे इनके नेता।
चलिए, तो बीजेपी कह रही है कि इंडिया अलायंस जीरो पर और इंडिया अलायंस कह रहा है एनडीए जीरो पर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो क्या इंडिया लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।